इस पूछताछ से जुड़ी कुछ अहम एक्सक्लूसिव जानकारियां मिली हैं जो ये साबित करती हैं कि पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी कई बार बिचौलियों से मिले। अब सवाल ये उठता है कि पूर्व वायुसेना प्रमुख बार बार बिचौलियों से क्यों मिल रहे थे। ऑगस्टा वेस्टलैंड रिश्वत कांड को लेकर पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से सीबीआई आज फिर पूछताछ करेगी। कल सीबीआई ने एसपी त्यागी से लगभग 10 घंटों से ज्यादा पूछताछ की थी। सीबीआई सूत्रों के हवाले से जी न्यूज को इस पूछताछ से जुड़ी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है जो साफ करती है कि पूर्व वायुसेना अध्यक्ष की बिचौलियों से मुलाकात हुई थी। डील करवाने के लिए ऑगस्टा वेस्टलैंड की पेरेंट कंपनी फिन मैकेनिका ने बिचौलिए जेरोसा और हाशके से संपर्क किया। वर्ष 2004 की शुरुआत में फिन मैकेनिका के प्रतिनिधि भारत आए और तत्कालीन वायुसेना के उपाध्यक्ष एसपी त्यागी से मिले। इसके बाद दूसरी मीटिंग जनवरी 2005 में हुई। तब तक यूपीए सरकार ने एसपी त्यागी को अगला वायुसेना अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी थी। जेरोसा और हाशके ने दिल्ली में त्यागी से मुलाकात की। इन लोगों के बीच तीसरी मुलाकात फरवरी 2005 में हुई। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी इन दोनों से बेंगलुरु के एयर शो में मिले जहां ऑगस्टा वेस्टलैंड ने एक स्टॉल लगाया था। इनके बीच चौथी मीटिंग 2006 के आखिरी महीने में हुई। उस वक्त एसपी त्यागी वायुसेना अध्यक्ष थे। बिचौलिए जेरोसा और हाशके से त्यागी ने दिल्ली में अपने कजिन के ऑफिस में मुलाकात की। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में त्यागी ने इन लोगों को जल्द से जल्द कागजात भेजने को कहा था ताकि कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जा सके। इसके बाद जब तक एसपी त्यागी एयर चीफ रहे तब तक तीन मुलाकातें और हुई। किसने मना किया? कांग्रेस ने पहले दिन से कहा हम चर्चा के लिए तैयार है, 4 तारीख को पार्लियामेंट में चर्चा होगी जरूर, हम चाहते हैं कि चर्चा हो। फील्ड ट्रायल्स, हेलीकॉप्टर भारत में उड़ना है, ट्रायल उसका इंग्लैंड में हो रहा है, जब उस समय रक्षा मंत्री एंटनी जी ने भी शायद फाइल में लिखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर उन्होंने बदल दिया, तो किसने उनको कहा इस निर्णय को बदलने के लिए? सीबीआई ने वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से लगभग 10 घंटे पूछताछ की और जानना चाहा कि रिटायरमेंट के बाद एसपी त्यागी किस मकसद से इटली गए और किसने इस ट्रिप के पैसे दिए। सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने एसपी त्यागी से पूछा कि सिर्फ ऑगस्टा को फायदा पहुंचाने के लिए शर्तों में छूट क्यों दी गई? क्या अपने भाइयों के बिचौलियों के साथ रिश्ते की जानकारी एसपी त्यागी को थी? सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पूछा कि हेलीकॉप्टर के उड़ने की ऊंचाई 6000 मीटर से घटाकर 4500 मीटर क्यों की गई और वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में तकनीकी बदलाव क्यों किया गया? सीबीआई ने यह भी जानना चाहा कि यह तकनीकी फैसला क्या एसपी त्यागी ने अपनी मर्जी से लिया या फिर क्या फैसले के लिए सरकार से किसी ने त्यागी पर दबाव डाला और क्या त्यागी बंधुओं को 3,26,000 यूरो शर्तों के बदलाव के लिए मिले थे? पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के लिए उड़ने की ऊंचाई 6000 मीटर से घटाकर 4500 मीटर कर दी। ऊंचाई नहीं घटाई जाती तो ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के सौदे में शामिल नहीं हो पाती। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी ये बताती है कि पूर्व वायुसेना अध्यक्ष की बिचौलियों से मुलाकात हुई थी। तो क्या ये माना जाए कि इस पूछताछ के बाद ऑगस्टा रिश्वत कांड से राज जल्द बेपर्दा हो जाएंगे? मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।